आजकल यूनिवर्सल स्टूडियो में भी हमने यही देखा था। ओह माय गॉड, क्लाउड फॉरेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। आई थिंक मैंने एक घंटे से ज़्यादा ले लिया शायद। यहाँ एक क्लॉक चेक करनी पड़ेगी मुझे। सो नाउ आई हैव टू रश टू द फ्लावर डोम और वहाँ पर मुझे रुकना है सनसेट तक, और सनसेट के बाद व्यू देख के ये मेरी स्टैम्प लग गई है और ये मुझे वापस अंदर जाने की इजाज़त देगी जो मैं आफ्टर सनसेट देखूँगा। क्लाउड फॉरेस्ट गॉन। ओके, चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाहर आते ही एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्यू। आइसक्रीम वाले ने क्या क्या किया हुआ है। लेट्स गो टू द फ्लावर डोम नाउ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। लायन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ये लोग। हर जगह लायन ज़रूर होता है। सो हम अब जाएंगे फ्लावर डोम में। सो लेट्स डू इट। फ्लावर डोम राइट। फ्लावर डोम ऑटोमेटिक डोर। अगेन यहाँ भी काफ़ी ठंडक है, एयर कंडीशनिंग ऑन है। यहाँ मैं एंटर हो गए फ्लावर डोम में। एज यूजुअल जब पता ना हो तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करो। सो क्लाउड फॉरेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और अभी ये फ्लावर डोम आ गया है तो इधर देखते हैं क्या है। ये थोड़ा ड्राई सा लग रहा है, मोर लाइक ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे ग्रीन भी है बट ड्राई, या टेक्सास मैक्सिको स्टाइल का। इसको शूट करना पड़ेगा फुल कैमरे पे। लेट्स डू इट। एज यूजुअल लेफ्ट साइड राइट साइड पे मेरे यूनिवर्सल स्टूडियो और सेंटोरा रिजोर्ट। फ्लावर डोम तो बड़ा ही बोरिंग है, ये तो उजड़ा हुआ है सब। दिस इज नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग आफ्टर। लेट्स सी आगे क्या कुछ इंटरेस्टिंग है या नहीं।
ऊपर से एक व्यू है नीचे का। ये देखें, ये कह रहे हैं कि सीरीज़ ऑफ पाइप्स हैं जिसमें कोल्ड वाटर जो है वो गुज़र रहा है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस हो रही है। ऑलराइट, इट्स टाइम फॉर अ 360 व्यू ऑफ द होल गार्डन। ये तो खासा बोरिंग था। आई डोंट नो, वो जो चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ वो यहाँ नज़र नहीं आ रही। वो फ्लावर टाइप के बने हुए थे वो कहाँ है? थोड़ा बेहतर बन जाता है। लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं, अब स्लोली लाइट्स ऑन हो रही हैं, तो लेट्स सी अब कैसा लगता है लाइट्स ऑन होने के बाद। अभी तक तो ये फ्लावर डोम काफ़ी बोरिंग लग रहा है, नथिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ से मोती के फूलों जैसी ये खुशबू शुरू हुई है, कुछ मिलती जुलती, नॉट एग्जैक्टली मोती जैसी खुशबू है, इससे मिलती जुलती। अब आपको फील आ रही है कि क्या पौधों के बीच में। हाँ, मेरा हाथ बहुत हिल रहा है, अगर गोप्रो होता तो मेरा हाथ नहीं हिलता अभी। ओहो, $499 का लगा हुआ था कल सेल पे, इंडियन अंकल ने बेचने की मुझे बहुत कोशिश की लेकिन मैंने भी लिया नहीं। ओहो, अब तो ट्रिप ख़त्म हो गया, तो अब क्या करेंगे ख़रीद के, यू नो। झाड़ियों की खुशबू आ रही है, जंगली झाड़ियों की।
Look at these guys. ये इन्होंने कैलिफोर्निया रेनिंग फॉरेस्ट की तरह बनाया है। ये इस तरह लश ग्रीन। Dear visitors, please be reminded that eating and drinking is not allowed in the conservatories. Kindly also do not touch the plants and flowers. We thank you for your cooperation and understanding. और इन्होंने हॉबिट होल्स भी बनाए हुए हैं, ये देखिए आप। कोशिश की है लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। वो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही है जो ओरिजिनल है, और उस जैसा और कोई मज़ा नहीं आता। ये इन्होंने बनाया हुआ है साउथ अमेरिका स्टाइल का, साउथ अमेरिका गार्डन कह रहे हैं इसे। आई डोंट थिंक इट लुक्स लाइक साउथ अमेरिकन गार्डन। ट्रीज बने हुए हैं, लुक्स मोर लाइक अ कैरेबियन आइलैंड। एनीवेज, सो अब मैं वेट कर रहा हूँ लाइट्स ऑन होने का। लाइट्स ऑन होती हैं तो देखते हैं यहाँ पे कुछ जान आती है इसमें या नहीं आती, वरना अदरवाइज़ तो बहुत बोरिंग है फ्लावर डोम। और फिर मैं उधर भी जाऊँगा क्लाउड फॉरेस्ट में लाइट्स ऑन होने के बाद। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़।